ये देख रहे हैं समरसेबुल है, और यहाँ पे समरसेबुल को ये जो पाइप आप देख रहे हैं फिलहाल अभी ये इधर से अभी जा रहा है, लेकिन अभी क्या करना है इसको यहाँ पे डाउन करना है। यहाँ पे अभी गड्ढा करेंगे और गड्ढा करने के बाद इसको डाउन करेंगे तो आपको ये बता पाएंगे अगर इस तरह का अगर पाइप निकला हुआ हो समरसेबल का तो आप इसको किस तरीके से डाउन करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा चेम्बर टाइप का बनेगा। इसके बाद इस सब का कनेक्शन कुछ हटने वाला है क्योंकि यहाँ रूम बनेगा, तो वो रूम बनना शुरू हो चुका है, तो इस सबको अभी फ़िलहाल इसको डाउन करना है। और यहाँ से इसको पाइप जो है वो हम यहाँ से लेके आने वाले हैं और यहाँ इधर में आएगा और इसी पिलर के माध्यम से हमें दूसरे मंजिल पे ऊपर लेके जाना है। तो चलिए इस सभी में किस तरीके से लेके चलेंगे और किस तरीके से कनेक्शन करेंगे। फ़िलहाल अभी पहले का ये थोड़ा बहुत कनेक्शन इस सबको अभी हटाने वाला हूँ, फिर नया फ्रेश करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी देखेंगे ये टंकी को खाली कर रहे हैं, टंकी में पानी पूरा भरा हुआ है तो टंकी को खाली कर रहे हैं, यहाँ पे पानी को निकाल रहे नल के माध्यम से। ये देखेंगे पहले यहाँ से इसका ऊपर कनेक्शन आउट और इन गया हुआ है, ये सभी कनेक्शन को हटाने वाला हूँ। चलिए आपको आगे ऊपर में दिखाते हैं। ये देखिए मैं दूसरे फ्लोर पे आ चुका हूँ और ये दूसरे फ्लोर पे क्या टंकी यहाँ पे रखा हुआ है, अब इस टंकी को हटाना है यहाँ से। अब क्या करना है इस जगह से अभी हमको यहाँ से रिमूव करना है, सभी पार्ट्स को हटाना है और इसको लेके चल इस जगह पे लेके चलना है। कहाँ पे लगाना है टंकी? यहाँ पे लगेगा ना, ठीक। तो अभी टंकी यहाँ पे लगने वाला है, इसके बाद ये पाइप यहाँ से ऊपर आने वाला जो आपको मैं नीचे दिखाया था वहाँ से, तो ये नीचे से यहाँ ऊपर आएगा और साइड से इसके अंदर पानी इन करेगा और यहीं से साइड से पानी किस तरीके से आउट भी करेगा। अगर इस तरह का भी कहीं टंकी को हटाना हो तो किस तरीके से, क्योंकि टंकी को हटाने में भी प्रॉब्लम होता है और साथ साथ में क्या होता है कि कभी कभी टंकी फूट भी जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी काम को सावधानी से करना चाहिए। इनका कई सारा सामान भी इधर में लगा हुआ है, पहले से फिटिंग हो चुका है, उसको भी इस तरीके से रिमूव करना है कि कोई भी चीज़ बर्बाद भी नहीं हो और उसका उपयोग भी हमें इस साइड जब करेंगे तो इसका भी उपयोग आ जाए, इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो देखेंगे इसके अभी अंदर पानी कुछ खाली हुआ है, लगभग अभी भी है, वहाँ तक अभी पानी भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ था, पानी कुछ खाली हुआ है। चलिए इसको थोड़ा खाली होने दीजिए, उसके बाद इसको हम वहाँ पे रिमूव करेंगे, तब तक इसका रास्ता बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो वाटर टैंक जो था 1000 लीटर का, इसको यहाँ से अभी रिमूव कर दिए, हटा दिए हैं सभी, यहाँ पर जो भी कनेक्शन था वो हट गया है और इसको यहाँ से हटा के अब देखेंगे यहाँ पर टैंक को फिट कर दिए हैं। अब यहाँ पर अगर दिखा पाओ फिटिंग फ्रेंड्स आप किस तरीके से करेंगे अगर इस तरह का वर्क हो तो, जनरली आप देखेंगे नीचे में यहाँ पे अगर देखें यहाँ यूनियन लगा है, एक यहाँ पे वॉल्वल लगा है और वॉल्वल इस तरीके से लगा है कि दीवार में भी ना अटैच टच हो, आराम से वो फ्री हो जाए, और एक एल्बो यहाँ लगा और सीधा यहाँ से एल्बो से होके, क्योंकि यहीं से पाइप डाउन हो रहा है तो यहाँ टी लगा और ये एयर के लिए यहाँ पर निकल गया है। तो फ्रेंड्स आपको दिखाया था कि जो पहले से किसी ने प्लम्बिंग भाई ने जो वर्क किया था वो इसी जगह पर टी निकाले हुए थे, है ना, तो यहाँ पे बीच में टी देने से एयर के लिए कोई भी वजह ही नहीं रह पाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ से आपका मेन डाउन हो रहा है कोशिश करना है फ्रेंड्स आपको उसी जगह पे आपको एयर के लिए डाउन करना है। यहाँ देखेंगे तो इस जगह पे यहाँ टी लगा और ये एयर के लिए यहाँ पर निकल गया है। इसके बाद जनरली आपको अगर दिखा पाओ ये समरसेबुल से पानी ऊपर आएगा और यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रॉस हो रहा था, तो यहाँ पर एक टी लगा और टी लगने के बाद एक एल यहाँ लगा और इसके बाद एक एल्बो यहाँ लगा और तीसरा एल्बो एक चाबी यहाँ पे भी लगा है और ये डायरेक्टली वाटर टैंक के अंदर में चला जाएगा समरसेबल का पानी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एक यहाँ पे भी 1 इंची का वॉल्वल लगा है, क्योंकि यहाँ ऊपर में अभी कई सारा वर्क होने वाला है, काम होने वाला है, तो यहाँ पर पानी चाहिए, तो इसको पानी को किस तरीके से यूज़ करना है, ये चाबी अभी ऑफ अवस्था में है और वहाँ भी देखें ये ऑन अवस्था है, इसको क्या करना है जब इसको अगर हमको यहाँ से पानी चाहिए तो इसको ऑन कर देना है और वहाँ चाबी जो है ये चाबी इसको क्या करना है ऑफ़ कर देना है, तो ये क्या होगा कि पानी इसके अंदर जाना बंद हो जाएगा और वहाँ पे पानी में प्रेशर आ जाएगा आसानी से। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आगे अगर मैं बता पाऊँ यहीं से 2 पाइप नीचे डाउन हुआ है, आपको दिखा पाऊँ यहाँ से होल करके ये नीचे चला गया है और नीचे आपको इस तरीके से पाइप दिख रहा है, अब बीच में भी कनेक्शन है। अभी हम दूसरे फ्लोर पे हैं तो आपको उधर में भी दिखाएंगे,
कि किस तरीके से वहाँ पे फिटिंग हुआ है। चलिए आपको यहाँ पे देखो, ये दीवार जब बनेगा तो वो सब उसके अंदर में, क्योंकि ये करीब करीब 3 फीट हाइट ऊंचा होगा तो ये आसानी से ये कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप फिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ पूरा वीडियो, ये देखिए। चलिए अब आपको नीचे लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं। यहाँ से दो पाइप आपको ऊपर से, ये जो डाउन हुआ है वो नीचे आया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको दिखा पाओ ये थोड़ा जगह भी जिस तरीके से यहाँ पे भी वर्क हुआ है। ये बांस आप देख रहे हैं यहाँ पे रख के इसको लगाए, और यहाँ पे देखेंगे ओवर बैंड जो है वो आपका 45 डिग्री का 4 एल्बो का इस्तेमाल किया हूँ, जिससे यहाँ पे ओवर बैंड अच्छे ढंग से बन गया है और यहाँ से फ्री होकर पानी भी आसानी से चला जाए। तो ये बगल में बाथरूम है तो इसके अंदर दोनों पाइप गया हुआ है, एक आपका जो है वो आपका ताज़ा पानी के लिए है, नीचे वाला जो आपका टंकी का पानी के लिए है। तो यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन आप फ्रेंड्स कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का भी क्रॉस कराना हो, आप हमारे अक्सर वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके का ओवरबैंड आपको दिखेगा, क्योंकि इसका थिकनेस बराबर रहता है और ओवरबैंड का थिकनेस में थोड़ी कुछ कमी हो जाती है, इसलिए पानी का थोड़ा प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर पानी का कोई भी कमी नहीं होने वाला है। और यहाँ से ये होल हुआ और ये चला गया नीचे, नीचे समरसेबल में किस तरीके से कनेक्शन होगा, चलिए वो भी आपको हम नीचे लेके चलते हैं और वो दिखाते हैं कि किस तरीके से आप उसको फिटिंग करेंगे। ये फिलहाल यहाँ पे दो पाइप अंदर गया बाथरूम में, वो भी दिखाते हैं दो पॉइंट अभी फिलहाल निकल के ये यूज़ करने के लिए फिलहाल है। जब बाकी इस में बाथरूम में वर्क होगा, काम होगा, तो वो भी चीज़ मैं आपको आगे भी दिखाएंगे इसका भी वीडियो। प्लस अभी यहाँ पे जो वर्क है उसके विषय में बता दूँ, ये आपका इसके अंदर में ताज़ा पानी आएगा जो समरसेबुल का, और इसके अंदर आएगा टंकी से जो पानी आएगा वो इसमें। तो फिलहाल यहाँ पे यूज़ करने के लिए है, और इसको जब भी यूज़ करना हो तो यहाँ से ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे। चलिए बाकी आपको नीचे और दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर से दो पाइप आया, एक काउट है और एक इन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ओवरबैंड लगा, नीचे भी, तक इसके पास आराम से पर्याप्त जगह भी मिला है। तो यहाँ पे एक पॉन करके ये ताज़ा पानी चला गया इस बाथरूम के अंदर, और यहाँ से भी एक पानी चला गया जो बाथरूम के अंदर में दोनों यूज़ होगा। एक टंकी का पानी है ये, तो आपको फ्रेश वाटर है जो समरसेबुल से है, और यहाँ से डाउन हुआ एक एल्बो दूर लगा, और यहीं से ये कनेक्शन और भी अंदर चला गया है, बाकी का और सब भी जगह कनेक्शन है। और यहाँ से ये एक टी लगा, टी से लग के ये पॉइंट यहाँ भी बना है समरसेबुल का, और यहीं से अंदर होके ये देखिए समरसेबल में, और समरसेबल को पाइप कट करके, ये देखेंगे इस पाइप को कट करके ये नीचे आ गया, डाउन हो गया। बाकी यहाँ पे राजमिस्त्री इसको अच्छे से स्लाब वगैरह डाल के इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये चीज़ हमने आपको दिखा पाया किस तरीके से कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट किस तरीके से आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो नहीं दिखाया कि किस तरीके से इसको हम डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वर्क हो पा रहा था, काम हो रहा था, इसलिए मैंने आपको वीडियो यहाँ का नहीं दिखा पाया। क्योंकि अगर आपको दिखा पाओ कट करना था इसको, तो क्या करना था कि अच्छे से साइड से चारों तरफ से धीरे धीरे इसको क्या करना था, कट कर लेना था, और उसके बाद इसको बीच से देखेंगे ये पाइप को इस तरीके से दो भाग में कट करके ये निकल गया इसके अंदर से। अब ये समरसेबल चालू भी हो चुका है, पानी भी आ चुका है इसके अंदर में। ये देखिए समरसेबल भी चालू हो चुका है, पानी भी आना शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ भी पानी आना शुरू हो चुका है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे मसाला बन रहा है, काम चल रहा है। चलिए आपको ऊपर दिखाते हैं। ये देखेंगे ये टंकी का पानी इसके अंदर आना शुरू हो चुका है, और ये अभी समरसेबल का है, अभी पूरा नहीं खोल सकते क्योंकि पानी इधर में देखेंगे गेहूँ रखा हुआ है, मकई रखा हुआ है, तो दिक्कत होगा। फिलहाल आपको हम यहाँ पे दिखा दिए कि किस तरीके से पानी इसके अंदर में आ रहा है। तो यहाँ भी पानी यहाँ देखिए गिर रहा है, चलिए इसको भी बंद कर देना है। यहाँ बंद करेंगे तो पानी आपका वहाँ ऊपर में भी इसके अंदर में भी जा रहा है टंकी के अंदर में। ये देखिए लगभग वाटर टैंक भर चुका है और अब ये ओवरफ्लो भी होगा, तो चलिए इसको अब बंद कराते हैं। ओवरफ्लो का पानी जो है वो यहाँ से होते हुए बाहर आ जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे गिरना शुरू हो चुका है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपके पास लेके आता रहूँगा। इतनी गर्मी धूप में भी आपके लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। सब चीज बात की पहले निश्चा दे रहा है।